Welcome to Small Stoppers Talk and Speed Hunting. कमोडिटी मार्केट में आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो सभी लोग कई सारे ट्रेडर्स MCX में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी जिस प्रोडक्ट में वो ट्रेड कर रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जाना। उनके पास और क्या वॉल्यूम के ऑप्शंस हो सकते हैं, सोना चांदी के बारे में, इनके बिहेवियर के बारे में क्या फंडामेंटल फैक्टर्स हैं उनको नहीं जाना। तो हम लोग यहाँ से एक बिल्कुल उस नींव को मजबूत करने की तैयारी करेंगे जिसमें हमको ये पता लगे कि हम इन प्रोडक्ट्स को कितना जानते समझते हैं। इस जानकारी से आपके आज के मूवमेंट पे, किसी भी चीज़ के आज के मूवमेंट पे फ़र्क नहीं पड़ता, आज गोल्ड चलेगा या सिल्वर चलेगा, लेकिन उसको जानना ज़रूरी है। तो आप उसके लिए जाएंगे MCXIndia.com पे। MCXIndia.com पे सारे मार्केट की डिटेल दी हुई है। तो हम लोग यहाँ से मार्केट डाटा में जाके पहले ये भाव कॉपी आपको दिखती है। अगर मोबाइल पे आप इसको MCXIndia.com को खोलते हैं तो आपको जो खास खास कमोडिटीज़ है उनका लाइव प्राइस वेबसाइट पे ही दिखता रहता है। तो अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे एल्यूमिनियम से शुरू होकर कॉपर है। धीरे धीरे अगर आप इसको क्लिक करके देखते रहेंगे तो ये जो 7 पेजेस में आपको रेट्स दिख रहे हैं उनमें आपको आदत पड़ जाएगी कि कौन से पेज पे कौन सी चीज़ नज़र आती है। जैसे 5th पेज पे आपको निकल मिलता है तो हमेशा वही मिलने वाला है। 1st-2nd पेज पे आपको क्रूड ऑयल मिलता है, शुरू होता है तो वहीं शुरू होने वाला है, तो आपको देखने में उतनी मुश्किल भी नहीं रहेगी। उसमें वो सारी सीरीज़ दे रहे हैं, मतलब आने वाली इस मंथ का, नेक्स्ट मंथ का, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीरीज भी दी हुई है, तो आपको देखना है उस पर्टिकुलर सीरीज को। उसके बाद में मार्केट डाटा के बाद यहाँ प्रोडक्ट्स है। इन प्रोडक्ट्स को देखिए, यहाँ पे हम सारी स्क्रिप्ट, सारी कमोडिटीज़ की डिटेल देख सकते हैं। यहाँ बुलियन में गोल्ड, गोल्ड बुनिया, गोल्ड मिनी पेटल, सिल्वर, सिल्वर मिनी, सिल्वर माइक्रो सब दे रखा है। मेटल में इधर एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, लेड मिनी, निकल, निकल मिनी, एनर्जी में ये बाकी चीज़ें दे रखी है, ऑयल एंड ऑयल शेड में ये बाकी चीज़ें दे रखी है, सीरियल्स में ये चीज़ें, अनाज दे रखा है, फाइबर है, अदर्स में बाकी और चीज़ें हैं, और ये स्पाइसेस है। तो यहाँ पे सपोज़ मुझे गोल्ड के बारे में स्टडी करना है, या गोल्ड तो चलो आपको पता है, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि मेंथाइल का यूज़ क्या है। तो आप यहाँ मेंथाइल को क्लिक करेंगे। अब मेंथाइल क्या चीज़ है ये आपको अगर पता नहीं लगा तो फिर आप उसको जज करने में गलतियाँ कर सकते हो। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बताई गई, सप्लाई डिमांड सिनेरियो बताया गया कि इसकी सप्लाई कहाँ से होती है, डिमांड क्यों होती है, कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये मेंथाइल का। यहाँ प्रोडक्ट प्रोफाइल, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ये दे रखा है, प्रोडक्ट लीफलेट यहाँ दे रखा है, और वेब सोर्सेज में बाकी इन्होंने कुछ यहाँ पे वेबसाइट सजेस्ट कर रखी है जिनसे हमको इसके बारे में ज़्यादा पता लगे। और बाकी यहाँ पे इसकी कैटेगरी की दूसरी कमोडिटीज़ में अलमंड है, ग्वार गम है, ग्वार सीड है, मेल्टेड मेंथल फ्लैक्स है, पोटेटो, शुगर मेनी, तो आप चाहें तो ये शुगर में भी यहाँ से एंटर करके उसकी भी डिटेल देख सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मार्केट में काम करते वक्त तो पहले कदम पे आप इस चीज़ को देख लें, जान लें अच्छे से। तो आप ऐसे दूसरा कोई भी प्रोडक्ट है, सपोज़ अब आपको जानना है ग्वार गम के बारे में, या ब्रेंट क्रूड ऑयल के बारे में जानना है, सोयाबीन के बारे में जानना है, या चना के बारे में जानना है, तो आप उसको क्लिक करके उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है प्लेटिनम। प्लेटिनम में अभी हम लोग देख नहीं रहे कि बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं। आप यहाँ पता कर सकते हैं मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेटिनम के, क्या प्लेटिनम सोने से भी महंगी धातु है, क्या मार्केट है, क्या मूवमेंट है, आगे उसका क्या ग्रोथ है, ये देखना होगा। जैसे गोल्ड ज्वेलरी अभी चल रही है, वैसे धीरे धीरे प्लेटिनम ज्वेलरी का भी एक चलन शुरू हुआ है। तो अगर आप उस पर जाते हैं तो आपको उसके भी कई सारे फायदे देखने को मिलते हैं। अब प्लेटिनम में हम गए और हमने वहाँ पे प्रोडक्ट लिफलेट करके क्लिक किया था, तो प्रोडक्ट लिफलेट में हमको ये सारी चीज़ें पता लग रही है। इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन, ये इंडस्ट्रियल में इतना 30% यूज़ हो रहा है, ज्वेलरी में इतना, इन्वेस्टमेंट में इतना, ऑटो कैटेगरीज में इतना यूज़ हो रहा है। इसके बाद में
ये इसका प्लेटिनम का डिमांड कैसे बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, 1999 से लेकर 2008 तक ये चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं। प्लेटिनम का प्राइस का ग्राफ यहाँ पता लग रहा है कि कैसे कैसे उसकी बेस प्राइस बढ़ी और गिरी है, कहाँ तक उसने हाई बनाया था और अभी वो कहाँ चल रहा है, और ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन प्लेटिनम के देखने को मिलते हैं। ये चीज़ें आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी और ये आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ेगा। ये आत्मविश्वास अगर आपको चाहिए, मजबूती आपको चाहिए, तो ज़मीन से लेकर जो दीवार ऊपर जा रही है वो आपको मजबूत तभी खड़ी दिखती है जब आप ज़मीन के अंदर जाके नींव में कितना गहरा खड़े हैं ये आपको पता। तो ये कोशिश यहाँ करनी है।